वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सैटरडे का दिन है, शाम के बज रहे हैं ठीक 6 और मैं पी रही हूँ अपनी इवनिंग वाली चाय जो कि मेरी बहन ने बनाई है। और ये जो आप मेरे मुंह पर मेकअप देख रहे हैं ना, वो भी इसी ने ही किया है। और ये मेकअप हमने किया था क्योंकि आज हमने खूब सारी रील्स बनाई है इंस्टाग्राम के लिए। तो अगर आपने अभी तक भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है namita_dobriyal8, तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लेना और डेली के डेली जो है आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सी रील्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हो रही है पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी। तो बात ये है कि शिल्पी को पिज़्ज़ा बनाने का बहुत शौक है, तो बस यहाँ पर रुचि की तैयारी हो रही है। शान भी बहुत हल्ला कर रही है कि इसने ना यहाँ पर मैदा लिया है और मैदा में कितने पैकेट इनो ऐड करी है? इनो एक ही पैकेट। अच्छा, एक पैकेट इसका जो है इनो का ऐड करी है। दो बना रही है पिज़्ज़ा का जो बेस होता है उसके लिए। दो वो बनाने ना, क्या दो पिज़्ज़ा बनाने ना। अच्छा, तो चलिए आपके साथ जो है ना होम मेड पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करते और मैं अपनी चाय भी पीती हूँ और शिल्पी जो है पिज़्ज़ा बनाएगी। तो चलिए, तो यहाँ पर शिल्पी ने जो पानी है ना उसको गुनगुना करके और इसमें ऐड कर दिया है और बस इसका आप दो बनाना है। कैसा बनेगा, मतलब सॉफ्ट बनेगा या थोड़ा सॉफ्ट डो? तो यहाँ पर सॉफ्ट डो बनेगा इसका। तो यहाँ पर जो है जो बेस वाला जो डो होता है ना वो रेडी हो गया है। अब इसमें हल्का सा या तो रिफाइंड ऑयल आप मतलब इसमें डाल दीजिए, अगर रिफाइंड ऑयल नहीं है तो हल्का सा घी है ना जो उसको भी आप मेल्ट करके ना डाल सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ये बर्तन छोड़ देगा जो साइड में लगा हुआ है ना, और अभी ये थोड़ा सा फूलेगा अभी। तो इसको हम कितनी देर के लिए रखेंगे शिल्पी जी? 15-20 मिनट के लिए। ठीक है, तो हम इसको 15-20 मिनट के लिए रखेंगे अभी। और यहाँ पर शिल्पी ने पिज़्ज़ा में डालने के लिए जितनी भी सब्जियाँ हैं वो रेडी कर ली है, क्योंकि पिज़्ज़ा में यही सारी में जो है यही वाली सब्जियाँ डलती है। अपनी मर्जी से जितना, हाँ अपनी मर्जी से आप जितना भी डालना चाहो डाल सकते हो। ये जो है ना सब्जियाँ, इसमें एक दो चीज़ों की कमी रहेगी। एक तो वो ऑलिव्स होते हैं उनकी, और साथ में मशरूम्स की। तो फिलहाल तो हमारे पास यही वाली सब्जी अवेलेबल है, तो हम लोग इसी से ही अपना काम चलाएंगे और होममेड पिज़्ज़ा बनाएंगे। जो शिल्पा ने डो तैयार किया था ना उसके सिर्फ दो ही पिज़्ज़ा बनने वाले, पिज़्ज़ा सबके लिए होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि खाने वाली जनता शिल्पा ज़्यादा है और पिज़्ज़ा है कम। अरे मैं भूल गई, मैं एक ही लेकर आई, पर चलो चीज भी तो अच्छे से चाहिए, पिज़्ज़ा का मतलब क्या है अगर चीज में डालना। हाँ ये तो है, चलो चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा थोड़ा ही खा लेंगे। और अच्छा बना तो दोबारा दो पैकेट लिया। ठीक है, सब एक पिज़्ज़ा। और ये हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो पिज़्ज़ा की रोटी है ये फूले नहीं। रोटी तो है ये अभी, रोटी बड़ी वाली रोटी, तंदूर में लगा दो तो तंदूरी रोटी हो गई ना। हाँ सही बात। और ये इसमें लगेगा पिज़्ज़ा सॉस। अब थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चीज। तो जी देखिए यहाँ पर तैयार हो चुका है पिज़्ज़ा, मतलब फुल रेडी नहीं हुआ है, इसको जाके रखते हैं माइक्रोवेव में। शानवी की लहर टपक रही है पहले ही। बनने वाला है पिज़्ज़ा, बन जाएगा अभी, पिज़्ज़ा खाना है इसको। हेलो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा खा लो, बोल दो। नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलती है ये। चल बन गया। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बनके हो चुका है बिल्कुल तैयार।
वाला जो पिज्जा है ना, ये दूसरा पिज्जा है। रहा चल गया। हाँ तो ये पिज्जा है ना, ये दूसरा पिज्जा है। पहले वाला पिज्जा पता ही नहीं चला, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो कपड़े धोने लग गई। इतनी देर में सबने निपटा दिया, शिल्पी और मैं बचे हुए और शानवी भी बची हुई, अभी आई थी वो पूछने के लिए। तो बस अब हम ये पिज्जा एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म। और वंशिका से रिव्यू तो ले लेते, कैसा था पिज्जा? पिज्जा तो बड़ा टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, मार्केट वाले से भी अच्छा था। हाँ तो घर का पिज्जा ऐसे ही होता है, बहुत बढ़िया मजेदार लगता है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा आप लोग। तवे पे भी बहुत ज्यादा था। हाँ और तवे पे भी बन सकता है, क्योंकि मैंने तो एक बार तवे पे ही बनाया था। मैं तवे पे बनाती थी, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। हाँ पर ठीक है, चलो घर में पिज्जा मिल गया। बाकी मेरी आंख ऐसी लग रही है ना भाई, अभी मेरे को ना इसको क्लीन करना, निकालूंगी लाइनर रहने दूंगी, आई शेडो निकाल दूंगी, बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रीन लग रहा है ना। वही वो ड्रेस से मैच कर, कैमरे में अच्छा लग रहा है बट मेरे को मतलब वैसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। चलो ठीक है चलिए। शानवी ने तो पिज्जा खा लिया ना? हाँ खा लिया। शानवी को नहीं मिलेगा अब, चाहिए है? चाहिए भाई चाहिए। नहीं खाया? अरे मुझे नहीं पता था, नहीं खाया पिज्जा। ओली मिलो बच्चा, नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा, शानवी को मिलेगा, रोना नहीं है। अच्छा दिखा तो दे, अरे शक्ल तो दिखा दे। अच्छा इसकी मम्मी ने गंदा पिज्जा बनाया होगा है ना, कि अच्छा बनाती है मम्मा, जल्दी बता दो। अच्छा थम्स अप, अच्छा अच्छा बनाती है सच्ची। चलो तो फाइनली हमारी बारी आ गई है, अब हम लोग करेंगे पिज्जा टेस्ट, मतलब टेस्ट मैं करके बताऊंगी शिल्पी को कि शिल्पी ने कैसे बनाया है। गरम हो रहा होगा ना अभी? हाँ गरम है गरम है। थम्स अप, बहुत अच्छा पिज्जा बना है। चलो हम लोग पिज्जा खा लेते हैं, एंजॉय करते हैं अपना पिज्जा। पिज्जा खाने के बाद अचानक से शिल्पी का मन करा कि क्यों ना चॉकोलावा केक बनाया जाए। ये वही लड़की है जो सुबह मुझे रोटियां भी नहीं दे रही थी और रात होते होते तक इसने मुझे पिज्जा केक ये सब खिला रही है, इसकी साजिश है ये। तो ये देखिए यहाँ पर ये बन रहा है टाइगर बिस्किट का। रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको चॉकोलावा केक की रेसिपी भी देंगे। अभी तो हम नहीं दे रहे, अगर आप चाहोगे तो हम दे देंगे, तो जरूर कमेंट करना। फिलहाल यहाँ पर देखिए कप में बनेगा केक, बस तीन ही कप, कितने कप बनाने हैं सबके लिए एक एक, एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये। हाँ आज तो अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, देखेंगे अगर अच्छा बनता भी है या नहीं बनता है। चलिए कम कम डाल, कम डाल बहन, और कम कर तो एक थोड़ा, हाँ कम डाल और हो जाएगा। केक भी जा रहे हैं माइक्रोवेव के अंदर, शिल्पी तेरी वजह से ना भाई साहब आज देख, पहली बार कर रही है और हम पहली बार ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी माइके में आके। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि केक जो है रेडी हुआ है। ये शिल्पी देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, रेडी है, रेडी है, वाह। अभी खा के देखेंगे चौको लावा वाली फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी। दो केक बन चुके, दो और रह गए। तो जी फाइनली टाइम आया है इस केक को टेस्ट करने का, तो एक बार टेस्ट कर लेती हूँ मैं। मेरा हाथ सूख गए। पहली बार बनाया और पहली बार बनने में काफी अच्छा बनाया देखिए, लेकिन बस एक चीज रह गई, जो चौको लावा था ना लावा नहीं आया, क्योंकि हमें लगता है कि उसमें शायद चौको चिप डलती है और इसीलिए वो बहुत मतलब उसकी तरह मेल्ट नहीं हुआ। खाने में अच्छा लग रहा है केक। और भाई देख रहे हो केक के बाद क्या बन रहा है डिनर में, हम सबका फेवरेट पुलाव। अरे मुझे पहले पता होता था कि ये खाना नहीं देगी सुबह और रात को इतना अच्छा अच्छा मिलेगा, तो मैं कुछ भी नहीं खाती सुबह। कितनी अच्छी डाइटिंग करा रही है मेरी बहन, बदला ले रही है बदला मुझसे। चलिए केक एंजॉय कर लेते। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो जी संडे का दिन है और सुबह के 10 बज चुके हैं और हम लोग अभी तक ऐसे ही घूम रहे हैं। देखिए कुछ काम नहीं हुआ है घर का, सिर्फ नाश्ते में भी मेरे ख्याल सब्जी बनी होगी अभी और आटा जो है गूंथ के रखा हुआ है। क्या हुआ तुझे? और ये पता नहीं क्या कर रही थी, ये अलमारी खोल खोल के देख रही है, कुछ कुछ चीजें ढूंढ रही है। शिल्पी के हस्बैंड उसको आवाज लगा रहे मैंने क्या बनाया है। तो यहाँ पर जो है आटा तैयार है और साथ ही साथ बनाई है हरी वाली सब्जी। तो जब भी हरिद्वार आते हैं ना तो बस हरी सब्जी तो बहुत ज़्यादा ही चलती है, और इतनी ये बनाने के बाद भी ये बची हुई है, ये बाहर जो है ना खेत में लगी हुई थी
और यहाँ पर सबको हरी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए जब भी आते हैं तो सब लोग मतलब सबकी पहली चॉइस ये रहती है कि हम हरी सब्जी खाएंगे, फिर चाहे वो राई की हो चाहे पालक की हो, जो भी मिल जाए। शानवी सुबह सुबह देखो कितनी अच्छी लड़की है, पढ़ाई में लग गई है, और शानवी की राइटिंग देखो कितनी सुंदर है, और देख रहे हो अगर ऐसी आप लोग मेरे भाई की राइटिंग देखोगे ना उसकी तो, और वेदांश की तो चमकदार राइटिंग है बिल्कुल सोने की तरह लिखता है मेरा बेटा ये देखो नहीं बेटा सच में खाना नहीं खाता ये, ये खाना तो खा के आता है बस काम नहीं करता है, और शानवी की राइटिंग देखो कितनी सुंदर है, क्या कर रहा है फाइनली हम दोनों के पतिदेव घूमने चले गए हैं हमें अकेला छोड़कर, और हमें शांति मिल गई है भाई साहब, कल से इन्होंने जो खून पिया हुआ है ना, मतलब ना तो गप्पे मारने देते ना बैठने देते हैं, बस काम बताते रहते हैं ये कर दो वो कर दो वो कर दो, तो फाइनली हमने जो है दोनों को भेज दिया, हमने कहा शाम को आना आराम से घूम के आओ, तुम दोनों घूमो हम दोनों गप्पे शप्पे मारेंगे अपना काम करेंगे अच्छे से, और अब हमें तसल्ली मिल गई है और कुछ नया भी करने वाले, और बस फिलहाल के लिए जो है अपने इस छोटे से वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ मैं, तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और मेरी बहन बनाएगी गर्मा गर्म चाय, शिल्पा शिल्पा आजादी की चाय पीते चल बहन, अरे चल कॉफी पीते, तूने कहा था नई वाली कॉफी पियेंगे, तो हम लोग नई वाली कॉफी पियेंगे, मेरी बहन बनाएगी मुझे गर्मा गर्म कॉफी, कौन है तू, मैं तेरी बहन दिल्ली से आई हूँ, चलिए बाय।